नमस्कार। बड़ी खबर है जिसमें कि 200 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। गरीब मजदूरों से पैसा, उनका पैसा जमा करके उनको लूटा गया। संकल्प सिद्धि निवेश धोखाधड़ी मामले में 5 गिरफ्तारियां कर दी गई हैं, और ये जो गिरफ्तारी हुई है जिसमें कि 200 करोड़ रुपए का घोटाला उनके द्वारा किया गया है। विजयवाड़ा से खबर है, NTR जिला पुलिस ने सोमवार को संकल्प सिद्धि ई कार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड घोटाले के निवेश धोखाधड़ी मामले में 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने कथित तौर पर जनता से 200 करोड़ की कमाई की थी। मीडिया को संबोधित करते हुए NTR जिला पुलिस आयुक्त कांति राणा टाटा ने बताया कि उन्हें विभिन्न मामले उनके ऊपर दर्ज थे, जिसमें धारा 420, 110, चिट फंड की धारा 404 और 5, मनी सर्कुलेशन की धारा थी। उसके अलावा वित्तीय प्रतिष्ठान अधिनियम 1999 के जमाकर्ताओं का संरक्षण और सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम की धारा 66 में गुट्टा वेणुगोपाल उनको, उसके अलावा गुट्टा किशोर, गंजला लक्ष्मी, सैयद जाकिर हुसैन के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है, और माउरी वेंकट नागा लक्ष्मी ये भी उसमें शामिल है। मामले की जानकारी देते हुए राणा ने कहा कि आरोपी वेणुगोपाल कर्नाटक का रहने वाला है और उसने 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। अपने शुरुआती दिनों में वेणुगोपाल एक निजी कंपनी में खेतिहार मजदूर और चौकीदार के रूप में काम करता था। बाद में उन्होंने अपना ठिकाना विजयवाड़ा में स्थानांतरित कर दिया, इन्हें विजयवाड़ा में बदल दिया और जीविका के लिए छोटे मोटे काम करने लगा। गोपाल कभी इसी तरह की मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM कंपनी क्वांटम में एजेंट हुआ करते थे, वहाँ बंद हो गई। आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर MLM पर अनुभव हासिल करने के लिए वहाँ बाद में शामिल हुआ और Nmart और फ्यूचर मल्टी लेवल मार्केटिंग के साथ काम किया, जो क्वांटम की तरह ही बंद हो गए। अपने परिवार के सदस्यों की मदद से उन्होंने हैदराबाद में अपनी खुद की कंपनी Enrich Enterprises शुरू की और COVID-19 महामारी के कारण इसे बंद कर दिया गया। इन्होंने फिर से संकल्प सिद्धि ई कार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निवेश एकत्रित किया और 200 करोड़ रुपए का यहाँ पे निवेश एकत्र करके गरीब और मजदूर लोगों से उनका पैसा हड़प लिया। दोस्तों, ये थी कहानी। इन MLM कंपनियों से बच के रहना चाहिए, सभी ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन उदाहरण आपके सामने है। आज की तरह ही जय हिंद।